दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेलते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो आईपीएल में बहुत से बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते थे, जैसे कि शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर। तो दोस्तों, आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स न खेलने की सबसे बड़ी वजह मुंबई में हुआ 26/11 का वो हादसा है, जिसमें 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट सीज किए गए थे। और दोस्तों, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला लिया था, और साल 2009 में कश्मीर में डिप्लोमेटिक टेंशन्स होने की वजह से बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन बताना नीचे कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।